आप पता ही ना, बताऊँ क्या, ये बारिश से कम भीग रखा पसीने से ज़्यादा। यहाँ देख लो दोस्तों, लास्ट छोर में इस साइड से आखिरी खेत है हमारा। ये देख लो यहाँ पे भाभी जी और हैं, बारिश आने वाले फिर भी लगे हैं काटने पे। तो ऐसे इस डंडी के सारे लास्ट वाला प्रोसेस है ये। अब इसके बाद सीधे जितने भी, और ये बहुत जल्दी उठ जाते हैं। यहाँ देखो इसके क्या कर रहा है, है? सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के सुंदर सा गाँव सुबाई भविष्य बद्री से। सुबह के 7 बज रहे हैं और आज लगा लो सुबह के 3 बजे से उठ रखे हैं, क्योंकि जो चौलाई हमने परसों घर पे लाए थे तो उसकी मड़ाई आज सुबह 3 बजे से करके अभी ख़त्म भी हो चुकी है। अभी केवल लास्ट स्टेप बचा है, उसको कूटना है। कूटना यानी पीट पीट के लास्ट में उसका जो केवल उस पर जो घास बचा रहता है उसे गाय को देते हैं लास्ट में, तो वो वाला प्रोसेस बचा है। गांव में धूप भी नहीं आई है, आजकल धूप 7:30 बजे तक आ रही है, क्योंकि जैसे जैसे ना ठंडियों का मौसम स्टार्ट हो जाता है वैसे वैसे धूप बहुत लेट आती है। यानी आजकल 7:30 फिर 8:30 तक चली। तो फिर से चलते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। पापा जी, मम्मी और सारे लोग लगे हैं काम पे। ये देख लो, और ये बहुत जल्दी उठ जाते हैं। देखो इसके क्या कर रहा है, है? और इतना सारा चौलाई जो सुबह 3 बजे से लगे थे उसको पूरा करने पे, और फाइनली ये रहा रिजल्ट। अभी इतने सारे बीज तो निकल गए ना, अब लास्ट वाले इसको इस डंडे के सहारे कूटेंगे। अब देखना, तो ऐसे इस डंडे के सहारे लास्ट वाला प्रोसेस है ये। अब इसके बाद सीधे जितने भी दाने हैं वो छूट जाएंगे और वहाँ मिला देंगे इनको, बाकी ये गाय बैलों के काम आ जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब सूर्य देव भी प्रकट हो गए हैं और हमारा जो आधा से ज़्यादा काम था वो भी निपट चुका है। बस अब थोड़ा बचा है, लास्ट चक्कर है, तो उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। यानी सुबह के 7:30 हो रहे हैं, 7:45। तो चलिए दोस्तों, अभी दिन के 1 बज रहे हैं और अभी अभी खाना खाया और मौसम भी ख़राब हो गया, यानी बारिश स्टार्ट होने वाली है। तो हमने जो खेत में परसों घास काट के रखा था ना, तो उसको संभालने जाना है, वरना बारिश से भीग कर वो सड़ जाएगा। इसीलिए उसको जल्दी जल्दी में संभालने जाना है। पीछे मम्मी और पापा, भैया और सारे आ रहे हैं, तो जल्दी जल्दी में फटाफट दो दो चक्कर जो घास है उसको नीचे, जो परसों आपको दिखाया था मैंने ग्वाड़ में जो गौशाला, तो वहाँ रख देंगे। और हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट होने वाली है। ऊपर से देख लो मौसम एक बार, हाँ, और बारिश भी स्टार्ट होगी हल्की हल्की, पता नहीं खेत में जाने तक क्या होगा। खेत हमारा गांव से बहुत नीचे है, यानी गांव से 1.5 या 2 किलोमीटर होगा। वैसे डाउन में चलना है तो लगता है नहीं उतना होगा, लेकिन चलते चलते बहुत दूर है। बाकी परसों इस नीचे वाले खेत में आए थे और आज जो नीचे मकान दिखाई दे रहे उससे भी नीचे जा रहे हैं। पहाड़ों में बिल्कुल भी बैठने का टाइम नहीं है। सुबह 3 बजे उठकर आज चौलाई की मड़ाई वगैरह करके जो चौलाई की घास था उसको भी संभाल दिया है, और उसके बाद मैं तपोवन मार्केट गया, वापसी आए, खाना खाया और अभी चल दिए रास्ते। बाकी जितने भी लोग हैं ना अभी सारे अपने खेतों में हैं घास को संभालते हुए। यहाँ देख लो, तो फाइनली दोस्तों पहुंच चुके हैं नीचे वाला, सबसे नीचे छोर पे हमारा खेत है, यानी इस साइड से लास्ट वाला। और यहाँ देख लो सारे लोग खेतों पे लगे हैं आजकल। ये देख लो यहाँ पे भाभी जी और हैं, बारिश आने वाले फिर भी लगे हैं काटने पे। यहाँ देख लो दोस्तों, लास्ट छोर में इस साइड से आखिरी खेत है हमारा। फटाफट घास इकट्ठा करते हैं, बोझा बनाते हैं, निकलते हैं फिर।
सब निकल रहे हैं सीधे यहाँ से, और इतना बड़ा बोझा लगाया ना, पीठ पूरी टेढ़ी हो गई। अब निकलते हैं और बारिश भी होने वाली है। हाय दोस्तों, अभी पहुंच गए यहाँ पे और तेज बारिश हो गई, यहाँ देख लो। और इतना बड़ा बड़ा बोझा लाया ना, अभी तो रख दिया है, अब दूसरे बोझा के लिए जा रहे हैं। और बारिश ना इतनी ज़बरदस्त होने वाली है, क्या बताएं। एक चक्कर और लेने जाना है मुझे, और शायद इतने बड़ा बोझा मैं ज़िंदगी में पहली बार उठाया होगा आज, नहीं तो हल्के हल्के बोझा रखते हैं ना। आज तो बहुत ज़्यादा है, मौसम ने पूरा सीन ही ख़राब कर दिया, और ये भी घर को निकलने बैठ गए। तो चलिए दोस्तों, ये लास्ट वाला बोझा भी ला गया। अभी जो आप बताई ना, बताऊँ क्या, ये बारिश से कम भीग रखा, पसीने से ज़्यादा। बाप रे, ऐसे मौसम में बताएं क्या। चलो मैं भीग गया, कोई बात नहीं, घास नहीं भीगा, क्योंकि ना घास, अगर ये सूखा वाला घास एक बार भीग गया तो सीधा सड़ जाता है। तो फिलहाल अब यहाँ से निकलते हैं, और मेरे कपड़े तो क्या, वो तो सूख ही जाएंगे। और अब बारिश देख लो ना, तेज हो रही है, बहुत ज़बरदस्त बारिश। चलिए दोस्तों, बरसात ने सारे लोगों को अपने खेत से घर की ओर भगा दिया। अगर बारिश नहीं होती तो जो मेरे पीछे सारे लोग आ रहे ना, वो अपने खेतों में रहता अभी तक। यहाँ देख लो, लंबी लाइन लगी है। दोस्तों पहुंच गए हैं घर, और बहुत ज़्यादा भीग गया है, और पहाड़ों का मौसम है ना, कोई भरोसा नहीं है। एक तरफ सामने धूप लगी है और यहाँ बारिश हो रही है। चलो अपना काम जितना था वो तो हो गया है, अब फटाफट कपड़े बदलते हैं। चलिए दोस्तों, शाम के 6 बज गए हैं, और आगे तक जो बारिश हो रही थी, अभी मौसम चकाचक हो गया, देख लो। और मैं अभी जा रहा हूँ दिया जलाने, यानी आज से नवरात्रा स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रा की ढेर सारी शुभकामनाएं, माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। गांव का पंचायती मंदिर है, उससे थोड़ा ही पास में हमारे कुल देवता का मंदिर है, क्योंकि इधर ना जो हमारा खेत है इसके बिल्कुल सामने बनाया था, तो वहाँ पे रहा। चलिए दोस्तों, पहुँच चुके हैं, और यहाँ देख लें, बहुत ही प्राचीन है ये वाला दरवाज़ा। और कल मैं यहाँ सफाई वगैरह करेंगे, तो फिलहाल आज पूजा वगैरह कर देते हैं। कल इधर जो खेती किनारे ये घास वगैरह हो रखा ना, इसको ज़रा ठीक से साफ़ कर देंगे। चलिए दोस्तों, अभी दिया वगैरह कर दिया है, और माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहें। और आज के ब्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड सी यू।